चलिए मित्रों देखते हैं पर्यावरण शिक्षण की नीति के बारे में, पॉलिसी जो भी नीतियां बनाई गई हैं। सबसे पहले देखें थीम, विषय वस्तु छह थीम पर आधारित होती है। छह थीम पर कुछ और बातें चर्चा कर देना चाहूं मैं। अजय चलिए देखते हैं, बात को समझते हैं। तृतीय कक्षा, चतुर्थ कक्षा और पांचवी कक्षा में ईवीएस चलती है, वन और टू में नहीं चलती। तो कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे शिक्षण करवाया जाता है? भाषा और गणित के माध्यम से। भाषा यानी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, अन्य पाठ्य पुस्तक। तो भाषा एवं गणित के माध्यम से एकीकृत करते हुए बच्चों को शिक्षण करवाया जाता है, भाषा एवं गणित के माध्यम से। और 3, 4, 5 जो थीम है, प्रकरण अर्थात विषय वस्तु थीम, वो छह है, 6 प्रकार के। इतने हैं साहब, 6 प्रकार के विषय वस्तु हैं। जैसे पढ़ते हैं एलसीएम 2005 कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में, यानी कि 6 टॉपिक में, 6 विषय वस्तु में विभाजित करता है। तो थीम नंबर 1 क्या? फैमिली एंड फ्रेंड, फैमिली एंड फ्रेंड, परिवार एवं मित्र। पहला हो गया परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र। अब देखिए इस थीम के अंतर्गत 4 उप थीम है, माने अगर 4 बेटा है। कच्ची संबंध क्या है? पहला संबंध, आपसी संबंध, रिलेशन, रिलेशनशिप्स, कार्य एवं खेल, वर्क एंड प्ले, काम एवं खेल, जानवर और पौधे, जानवर और पौधे। ये 4 उप थीम हो गए। और पहला देखिएगा थीम, बोलिए परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड, भोजन, पानी, वाटर, पानी, आवास, शेल्टर, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और जो करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू, थिंग्स वी मेक एंड डू, हम चीजें कैसे बनाते हैं, चीजें जो हम बनाते हैं और जो करते हैं। इंग्लिश में देखें तो थिंग्स वी मेक एंड डू। ये 6 थीम हो गए। चलिए पुनः घर परिवार में मनुष्य जन्म लेता है, दोस्तों के साथ खेलता है, परिवार एवं मित्र। खाना खाइएगा ना जी। जन्म लिया कहां पर? परिवार में। और जन्म लेने के बाद मनुष्य क्या करेगा? भोजन। और खाना खाया तो पानी पीबे करेगा, और पानी चापाकल कहाँ गड़ाएगा जी? घरों में, आवास में। अच्छा, घर में रहे, पानी पिए, भोजन किए, बड़े हुए, बिहा शादी करेंगे। अब बिहा शादी करेंगे तो सौर ससुराल जाइएगा यात्रा करने, तो ट्रेवलिंग किए आइए, बोलिएगा तो परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, शेल्टर, आवास, क्या? आवास, और घूमने के लिए यात्रा। और यात्रा में गुंची जो सस्तो भाड़ा लेगा वो सोचिएगा ना, रिक्शा, ऑटो, टमटम, मतलब चीजों जो हम सोचते हैं, चीजों के बारे में हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, चीजें जो हम बनाते हैं और जो करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू, हम
हम चीजें कैसे बनाते हैं, इनमें से ये भी मिल गया था कभी, ये मिल गया था, इसलिए इंग्लिश में याद रखेंगे आप। पुनः एक बार फैमिली एंड फ्रेंड, फूड, वाटर, अच्छा सेंटर, बहुत अच्छी बात है सेंटर, आवाज, फिर ट्रेवलिंग कीजिएगा, क्या कीजिएगा, ट्रेवलिंग, थिंग्स वी मेक एंड डू, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये मैं कल पूछूंगा टेस्ट के दौरान ही। छह थीम है, कितने थीम है, ऑनलाइन प्रश्नों में पूछा गया निम्नलिखित में थीम के अंतर्गत कौन नहीं है, याद रखेंगे ना, पहला है आपका परिवार एवं मित्र, पहला थीम क्या है, और इसके अंतर्गत उप थीम क्या है, चार वो उप थीम, चार वो सब थीम, बोलिएगा संबंध, और परिवार के साथ आपसी संबंध क्या है, संबंध, और संबंध सगे संबंधी के साथ, दोस्त मुहिम के साथ खेलेंगे, खेलतेस बाजी, हाँ, काम एवं खेल, कार्य एवं खेल, जानवर और पौधे, जानवर और पौधे, जानवर और पौधे, जानवर भोजन जिससे प्राप्त करते हैं, पौधे पौधों से भी भोजन प्राप्त करते हैं, करते हैं ना, याद हुआ ये चारों, संबल कार्य एवं खेल, पेड़ पौधा पशु जानवर, यानी पशुएं और जानवर, पशुएं पौधे, पशुएं तो वही ना हुआ, जानवर, जानवर और पौधे, यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, पशुएं, क्या मिल जाएगा, पशुएं का मतलब क्या हो गया, जानवर हो गया। ये आपके पास है मोबाइल पे पीडीएफ है, घर पे लिखना है इसको, घर पे इंपॉर्टेंट बातों को लिखना है, देखूंगा मैं नोट्स, चेक इट, चलिए ये थीम हो गए। अब मुझे यह बताइए, ये सब कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़ा हुआ, सब थीम उप थीम सब हमारे इर्द गिर्द में घूमता है कि नहीं, जानवर देख लीजिए, संबंध देख लीजिए, भोजन देख लीजिए, अंतरिक्ष से थोड़े आता है भोजन, पानी देख लें, सब हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस यानी सामाजिक अध्ययन से जुड़ा हुआ है। पानी कहाँ से आता है, वर्षा का जल भी प्राप्त होता है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो साहब इन सब थीम को अलग अलग करके पढ़ाइएगा, नहीं एकीकृत करके, कैसे एकीकृत करके, कैसे पढ़ाना चाहिए, इंटीग्रेट करके, बोलिए समग्र रूप में, कैसे एकीकृत करते हुए, इंटीग्रेट करते हुए, समग्रता के साथ, बोलिए अंतर संबंधित, जोड़ते हुए, इंटरलिंक करते हुए, और जिससे बच्चे में क्या होगा, कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास, बच्चा इर्द गिर्द के परिवेश, स्थानीय परिवेश को समझ पाएगा, और स्थानीय समझ गया तो धीरे धीरे वैश्विक को भी समझने लगेगा, अर्थात स्थानीय से कैसा वैश्विक स्तर, ताकि बच्चा वास्तविक यानी संदर्भगत चीजों को, अपने इर्द गिर्द के परिवेश, घटनाओं को, दैनिक जीवन की घटनाओं को, समस्याओं को जोड़ते हुए, समावेश करते हुए यानी जोड़ते हुए, इंक्लूसिव करेगा, अपने जीवन में समस्या समाधान करने के लायक बन पाएगा, और समस्या समाधान यदि करने में लायक हो गया तो आएगी सृजनात्मकता, कैसा अपसारी चिंतन, कैसा चिंतन, अपसारी चिंतन, खुले अंत वाला चिंतन। तो ये पेडागोजी के अंतर्गत बहुत सारी बातें आपकी पूछी जाती हैं। आइए देखते हैं पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम, बोलिएगा, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं से जुड़ी अवधारणाओं और कॉन्सेप्ट, इशूज, मुद्दा सबको अलग अलग नौ देखकर, यानी सबको एक साथ, क्या सबको क्या क्या, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण, पर्यावरण अध्ययन, सबको एक साथ इंक्लूड करते हुए पढ़ाना चाहिए, यही मिल जाएगा आध्यात्मिक विज्ञान, कभी नहीं, है ना, मनोवैज्ञानिक विज्ञान, कभी नहीं, आप देख पा रहे हैं विज्ञान की अवधारणाएं भी क्लियर होती हैं, सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन से जुड़ी अवधारणा और मुद्दा, मुद्दा जैसे कि प्रदूषण का मुद्दा है,
जैसे ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा है, पानी का जल स्तर, भौम जल स्तर घटता जा रहा है, ये सभी क्या है, मुद्दे हैं। इन सब को अलग अलग नहीं, एक साथ, कैसे? समेकित। कैसे? एकीकृत। कैसे? समग्र रूप में। कैसे? समग्र नजरिए के साथ, इंटीग्रेट माने समेकित कराते हुए, समेकित कराते हुए बच्चे को सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, टीचिंग ईवीएस का करवाना चाहिए। कैसे साहब, बोलिएगा? समेकित करते हुए। कैसे करते हुए? समेकित का मतलब एकीकृत, गौरव पदे, समग्र, बोलिएगा, समग्रता के साथ इंटीग्रेट करते हुए, समेकित करते हुए टीचिंग करवाना चाहिए। अलग अलग नहीं, पढ़िएगा, अलग अलग कर, एक समेकित नजरिया से देखते हैं बच्चे। अब देखिए, रास्ते से जा रहा था, कचराइठा बस देखा, बस को पूरा देखेगा ना कि पहिया देखेगा, ड्राइवर देखेगा, डिलीवरा को, ऐसा तो नहीं है, बल्ब को केवल देखेगा, पहिए को देखेगा, पूरी बस को देखता है। कोई पेड़ देखा, ऐसा नहीं है कि फूल को केवल देखेगा, जड़ को, पर्यावरण को, प्रकृति को, कोई बालक समग्र रूप में देखता है, एकीकृत रूप में देखता है। तो हमें भी जो पढ़ाना चाहिए अलग अलग करके नहीं, इन अवधारणा बोलिए का कॉन्सेप्ट और इशूज के बीच कैसे पढ़ाना चाहिए, अंतर्संबंध, एकीकृत, कोरिलेटेड, इंटरलिंक करवाते हुए, कैसे, सहसंबंधित, अन्योन्यानीय क्रियान्वयित, अन्योन्यानीय क्रिया, बोलिए, एक दूसरे से इंटरलिंक, गुथा हुआ मतलब जुड़ा हुआ, जी देखिएगा इधर, जुड़ा हुआ, अंतर्संबंधित होता है, ये जितना कॉन्सेप्ट है, अवधारणा, मुद्दा, सब आपस में अंतर्संबंधित मतलब जुड़ा होता है। जैसे भोजन हमें पर्यावरण से प्राप्त होता है, कहां से, समाज से न मिला जी, परिवेश से न मिला जी, पढ़िएगा, अलग अलग, इसी समाज में विज्ञान भी आ गया, ये साइंटिफिक प्रोसेस भी आ गया। यही कहना है, हमारा जो समाज है, परिवेश है, यही तो पर्यावरण है, अलग दृष्टिकोण के रूप में नहीं देखना है, अंतर्संबंधित करवाते हुए बच्चे को टीचिंग करवाइए। कहता है, अतः प्राथमिक स्तर पर 1-5 लेवल पर, हालांकि 6-8 में भी पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों की टॉपिक, बोलिए, विषय वस्तु, आगे पढ़िए, यानी उपरोक्त अवधारणा सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, पर्यावरण आदि को मिलाया गया हो, समावेशित किया गया हो, उन बातों का, उन अवधारणाओं का ध्यान रखना चाहिए, समावेश करना चाहिए। आगे पढ़िएगा, प्राथमिक स्तर पे ना निम्न बातों का आप ध्यान रखो साहब, जो भी विषय वस्तु है, बोलिएगा, प्रकरण, टॉपिक, कंटेंट, ये बातें समझ गए, आपको क्या पढ़ना है वो आपका कंटेंट है, क्या होगा, बोले तो विषय वस्तु है, प्रकरण है, ठीक है, कैसा होना चाहिए, ओके, शिक्षार्थी, बोले तो विद्यार्थी, शिक्षार्थी का मतलब विद्यार्थी को प्राकृतिक एवं उसके समाज से, उसकी संस्कृति से, उसकी जो मातृभाषिक संसार है, प्राकृतिक दुनिया, उसके साथ जोड़ते हुए पढ़ाया जाना चाहिए, और उन सभी मुद्दे को कैसे, एकीकृत, अलग अलग नहीं, एक साथ अंतर संबंध करवाते हुए
पढ़ाया जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, अभी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे तो फिर आप समझ जाएंगे आपने अटेंशन पूरा नहीं दिया। मतलब क्या नहीं दिया? अवधान। क्या नहीं दिया? अवधान। विषय वस्तु शिक्षार्थी के मानसिक स्तर के अनुकूल, बच्चे के स्तर के ऊपर का, बच्चे की योग्यता क्षमता स्तर के अनुसार होना चाहिए। मानते हैं ना ये बात? ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोग नहीं पता है? पता है, खाली रिमाइंड करना है कि बच्चे की, चूंकि बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली है, कैसा है? बाल केंद्रित, तो बच्चे की योग्यता क्षमता स्तर के अनुसार होनी चाहिए शिक्षा। विषय वस्तु जो होना चाहिए टॉपिक, वो विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति, किसके प्रति? हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके प्रति पॉजिटिव नजरिया। बोलिए पॉजिटिव, एक सकारात्मक दृष्टिकोण, सरोकार उत्पन्न करे। क्या उत्पन्न करे? आएगा तो समझ जाइएगा, सरोकार यानी पर्यावरण के प्रति पॉजिटिव नजरिया उत्पन्न करे। क्या करे? बड़ा पॉजिटिव नजरिया पैदा होना चाहिए। विषय वस्तु शिक्षार्थियों को उन पद्धति और प्रक्रियाओं यानी क्रिया से अवगत कराए जो समझ, अब देखिएगा जो क्रिया पर आधारित हो, जो उत्तर पर आधारित हो, उत्तर पर आधारित हो, जो क्या करवाए? समझ या ज्ञान का निर्माण। बोलिएगा कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए, समझ विकसित होनी चाहिए, अर्थावबोधन होनी चाहिए। अर्थावबोधन, बोलिए अर्थ का समझ, अर्थावबोधन, अंडरस्टैंडिंग। क्या? अर्थावबोधन अर्थात अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन होनी चाहिए, समझ विकसित होनी चाहिए। सब पेडागोजी में पांचों विषय में ये चीजें आएंगी आपको, समझ विकसित होना, अर्थ का बोधन होना। हिंदी में भी देखा था आपने, तो उत्पन्न करने में मदद करते हैं। विषय वस्तु बच्चे को, किसको? ये पढ़िए, शिक्षार्थी, शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी को किसके लिए बढ़ावा दे? प्रश्न पूछेगा, मम्मा ये कैसे होता है? मम्मा ये डॉगी कैसे चल, मम्मा कैसे चलता है? मतलब बच्चे क्या कर रहा है? क्यूरियस है। कैसा है? जिज्ञासा भरी है, कुट कुट के क्या भरी हुई है? जिज्ञासा। और जिज्ञासा भरी रहेगी तो साहब कल्पना, तार्किकता, मौलिक चिंतन होगा बेहतरीन, बच्चे का हो जाएगा सृजनशील विकास। कैसा? बच्चे में आएगी सृजनात्मकता। क्या? बच्चा खोजी होगा जी, खोजी होगा। कैसा होगा? डिस्कवरी अर्थात खोज बढ़क, अन्वेषण आधारित। कैसा? अन्वेषण। आप उठाइए ना सीडीपी या आईबीएस या कोई भी विषय, खोजी मिल जाए, अन्वेषण मिल जाए, उत्तर लिया गया है, मानते हैं? क्योंकि बच्चा खोज भी, तार्किक चिंतन करता है, प्रश्न पूछता है, सर ये कैसे होगा? ठीक है सर ये तो समझ गए, लेकिन और छोटा जो, सर ये वर्षा कैसे फिर से आता है, नदी तालाब भरते हैं, फिर से ये ऊपर कैसे चला जाता है सर? मतलब कहां कोई सीढ़ी तो बना नहीं है। मतलब बच्चा नन्हा अन्वेषक हो रहा है साहब, कूट कूट के जिज्ञासा भर रही है बच्चे में। मानते हैं मैडम ऐसा? जैसा पूछे बोल गए नहीं? हाँ। तो बच्चे को प्रश्न पूछने का, खोजने का क्या दीजिए? अवसर। क्या दीजिए? अपॉर्चुनिटी, मौका। ये सब पासवर्ड है। प्रश्न बनाइएगा, सब एकदम मिलते जाएगा, आप खाली उत्तर मारते जाइएगा। विषय वस्तु विद्यार्थी में, बेटा बोलिएगा क्या लिखा है? डिसकवरेज यानी बढ़ावा नहीं दे, हतोत्साहित। इसका बेहतरीन क्या होता है? प्रोत्साहित। क्या होता है? कवरेजियस यानी कवरेज करना, प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन, इनकरेज करना, कवरेज करना। तो ये निगेटिव वर्ड है, हतोत्साहित करना क्या है? निगेटिव वर्ड है। अलग अलग बच्चा अलग अलग संस्कृति से, बैकग्राउंड से, कहां से आएगा? हिंदी बोलिए, पृष्ठभूमि,
पृष्ठभूमि बैकग्राउंड से, अलग अलग बैकग्राउंड से आता है ना, यानी सामाजिक सांस्कृतिकता उनका विविध विविध होता है। कैसा होता है? वैविध्यपूर्ण होता है परिवेश। कैसा परिवेश? वैविध्यपूर्ण, अलग अलग पृष्ठभूमि। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे की हर जरूरत को योग्य, हर जरूरत का मतलब योग्यता, क्षमता, स्तर आदि को पूरा करवाते हुए पठन पाठन का कार्य करना चाहिए। पठन पाठन का कार्य करना चाहिए। यह परिभाषा को, शब्दावली को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। परिभाषा रटत विद्या है। संज्ञा की परिभाषा बताइए। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, संज्ञा कहते हैं। रटे ना, नहीं होना चाहिए रटत विद्या। रटत विद्या नहीं होनी चाहिए। रटत विद्या क्या नहीं होनी चाहिए? नहीं, व्याख्या वाले जो है नहीं होनी चाहिए। व्याख्यात्मक यानी लेक्चर मेथड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? लेक्चर मेथड। जहां भी आप देखते होंगे क्वेश्चन में व्याख्या विधि, कैसी विधि, कभी उत्तर नहीं लेगा, क्योंकि किसी को लेक्चर पसंद नहीं है। आधे घंटे तक टीचर बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बच्चों को बोलने का ज्यादा मौका देना है ना। जैसे भगत सिंह पे, महात्मा गांधी पे दिए जा रहे हैं व्याख्या, महात्मा गांधी देश को आजाद करा देश, चीर देश, फाड़ देश, ऐसे ऐसे कर देश, 1947 में आजाद देश दिला देश, आधे घंटे तक चल रहा है। बच्चा फेरा मेरा 15 अगस्त पे चले भी पकड़ी बटे। तो बच्चों को, चूंकि बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली है, बच्चों को बढ़ावा देना है, न कि शब्द मैंने वोकैबुलरी रटते जिसको है, अच्छा चीज है जी, बढ़िया का विकास थोड़े रहेगा। ये तो रटंत विद्या हो गई। कैसी हो गई? रटंत विद्या को बढ़ावा न दे। यानी रटंत विद्या मतलब बोलिएगा यांत्रिक गतिविधि, मशीनीकरण, यंत्र प्रयोजन, मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग, कंठस्थीकरण, स्मरण, कंठस्थीकरण, बात तो समझे, कंठस्थ कर जाना, ठीक। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। एवं अमूर्त अवधारणा की व्याख्या न करें। कहता है अमूर्त, पहले मूर्त दीजिएगा उदाहरण, तब ना सूत्र नियम आदि, तब ना सूत्र नियम आदि। ये कहता है डायरेक्ट अमूर्त व्याख्या नहीं, मूर्त होनी चाहिए। तो आपने यह देख लिया, परिभाषा, शब्दावली, ये सब जहां मिलेगा गलत कीजिएगा। कहता है व्याख्या न करे, और व्याख्या विधि कभी नहीं लेना है, लेक्चर मेथड। बच्चे ज्यादा से ज्यादा कैसे सीखने चाहिए? हस्तपरक करके सीखना। क्या करना? लर्निंग बाय डूइंग। कैसे सीखना? यानी हैंड्स ऑन एक्टिविटी। बोलिए हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके सीखें। तो इसी को बढ़ावा दिया जाए। किसको? हस्तपरक गतिविधि को। और समूह में बोलिए सहयोगात्मक गतिविधि, सहकारी अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम, क्रियाकलाप एक्टिविटी करवाते हुए पढ़ाना चाहिए, गतिविधियों पर आधारित कक्षा, एक्टिविटी करवाते हुए, क्रियाकलाप करवाते हुए बच्चे को कॉन्सेप्ट अवधारणा सिखाना चाहिए। यस और नो? क्रियाकलाप के जगह गतिविधि आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गतिविधि का मतलब एक्टिविटी, समझ आइएगा, सही हो जाएगा। बच्चे ज्यादा से ज्यादा करके सीखें। विज्ञान में आपने देखा भी होगा एक्सपेरिमेंट रहता है, प्रयोग 1.1, आओ करके देखते हैं, रहता है ना। केवल
किताबें भगवान है जी, किताब पूरा होता है, गलतियां भी नहीं होती है क्या? वन क्लास में थोड़ा ज्ञान, टू क्लास में और अधिक, तीसरा। तो बच्चे केवल किताब से ही नहीं, अपने पर्यावरण, दादा, बुजुर्ग, दोस्त, मुहिम से भी सीखते हैं। केवल पाठ्य पुस्तक से ही शिक्षकों को ज्ञान का आया है ऑनलाइन में हो। शिक्षक ही एकमात्र ज्ञान का प्रकाश पुंज है, रिसोर्स है, साधन है, ये बात कहना। शिक्षार्थी को परिवार, समुदाय या अन्य कोई भी माध्यम, जैसे दोस्त वगैरह, जैसे समाचार पत्र, जैसे ग्लोब, जैसे गिन तारा अबेकस आदि से भी ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, अन्य माध्यमों से भी। क्या इसमें वास्तविक घटना बच्चे की डेली लाइफ में, हो सकता है ट्रक उलटते देखा, हो सकता है दो मोटरसाइकिल भिड़ते देखा, हो सकता है रास्ते चलते चलते किसी का मोटरसाइकिल बंद होते देखा, तो उसे समझ में आ गया पेट्रोल से चलता है गाड़ी और धीरे धीरे पेट्रोल खत्म हो जाए। तो ये सब घटनाएं बच्चे की कैसी जिंदगी से जुड़ी है, डे बाय डे रियल, कैसा रियालिया, कैसा दैनिक जिंदगी से जुड़ी है, कैसी जुड़ी है, संदर्भगत परिवेश से, कैसा संदर्भगत परिवेश से जुड़ा हुआ है, संदर्भ से जुड़ा हुआ है, डे बाय डे रिलेटेड सिचुएशन से, बोलिए जुड़ा हुआ है, से संलग्न है, से संलग्न मतलब जुड़ा नहीं होता है। प्रश्न आया ऑनलाइन में, संलग्नता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, संलग्नता। बोल तो दिया बाह्य जिंदगी से, एक्सटर्नल वर्ल्ड से, क्या कीजिए, संलग्न मतलब जोड़ते हुए पढ़ाना चाहिए। क्या मानते हैं ये सही बातें हैं? काफी ज्यादा पॉजिटिव नजरिया एकदम आपको क्वेश्चन बनाने में यह देगा। बच्चों को किससे कहानी से जोड़ते हुए आप पर्यावरण के बारे में बता सकते हैं, राजा रानी था, जानता है लड़दुसवा, पेड़ काटता था राजा अपना महल बनाने के लिए, एक समय का बात था, आया सुंदरलाल बहुगुना, बोला हम मर जाई, कट जाई, तोरा बिना न रही, पेड़ को पकड़ के चिपक गया सुंदरलाल बहुगुना। गौरा देवी भी आयल रहीस, लेडीज में जर्दलानी में, उत्तराखंड के रहीस, यूपी के अलग होने के बाद उत्तराखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ ना। तो बच्चों को हम तरह तरह की किस्से, कहानियों से, कविता से, पहेली आदि के माध्यम से ज्ञान का समावेश कर सकते हैं। इससे बच्चे में रोज रोज का एक रस खत्म होगा, कविता कहानी आदि से क्या खत्म हो जाएगा, नीरसता, बोलिए एक रस्ता, एक इक्के रस, रोज भात खा रहे हैं, न पूरी न पनीर कभी नहीं मिला, क्या जीवन में आ जाएगा। तो कविता कहानी, किस्से कहानी आदि से क्या दूर हो जाती है, क्या दूर हो जाती है, एक रस्ता, हिंदी में भी है ना, संस्कृत में, इंग्लिश में, ताकि विषय वस्तु की क्या दूर हो जाए, एक रस्ता बदलाव हो सके, विद्यार्थियों में आमोद प्रमोद यानी मनोरंजकता, मनोरंजकता के साथ किसका विकास हो, इमेजिनेशन पावर, और जो जितना खपड़िया का इस्तेमाल करेगा, सोचेगा, उसका ज्ञान उतना ही सृजन होगा। मानते हैं ये बात, चुपचाप बैठा हुआ दिमाग अप्लाई ये नहीं करता है, आप भी कहते हैं खपड़िया का इस्तेमाल करना, मनुष्य 1% नहीं कर पाता है दिमाग का इस्तेमाल, और जो जितना दौड़ाता है उसका दिमाग उतना पीसी होता है जी। तो इमेजिनेशन, तार्किक चिंतन, कल्पना परकता, अमूर्त चिंतन यदि करेगा तो बच्चा सृजनात्मक होगा, कैसा होगा, अर्थात क्रिएटिव माइंड का विकास होगा। स्थानीय परिवेश से जोड़ते हुए बच्चे को पढ़ाना चाहिए, तब वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने का, देखिए 100 से पासवर्ड मिल गया है,
प्रकृति को बच्चा क्या करेगा, खुद खोजता है ये सिकिया कहां से आता है, ये बर्फ कैसे ओला गिरता है। एक दिन देखा वर्षा में ओला गिरते हुए, फिर दूसरे दिन, तीसरे, धीरे धीरे बच्चा जब प्रश्न करेगा माता पिता से और समझ विकसित होगी, यानी बच्चे ने खोजना शुरू किया, अन्वेषण किया। क्या किया? हल्के में मत लीजिए कॉन्सेप्ट को, बहुत इम्पोर्टेंट है, मौका मिलना चाहिए, अवसर ज्यादा से ज्यादा। यह शिक्षार्थी को भय से पढ़ाइएगा, बच्चे को बोलिएगा भय रहित, मतलब भय मुक्त, भय मुक्त। पूर्वाग्रह करना चाहिए क्या? यानी लड़का खपड़िया बड़ी भेसी होता है, लड़की एकदम जो है ना मोटा चदरा, तरह तरह की पूर्वाग्रह रूढ़िवादिता, इनसे बचना चाहिए, इनसे मुक्त रहना चाहिए और अपने विद्यार्थी को भी मुक्त करना चाहिए। जैसे पूर्वाग्रह, लिंग पूर्वाग्रह समझते हैं, स्त्रियों को, फीमेल को होम साइंस लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, और मेल स्टूडेंट को विज्ञान पढ़ना चाहिए। ये सब क्या है? पूर्व से चला आ रहा आग्रह, पूर्वाग्रह, बायस, जेंडर बायस। और पूर्वाग्रह का उदाहरण क्वेश्चन में दिया जाएगा, केवल पुरुषों से जुड़े विभिन्न उदाहरण लेने चाहिए, केवल झांसी रानी का उदाहरण नहीं लेना चाहिए, गंदी बात है ना। पीटी उषा का उदाहरण, लता मंगेशकर का उदाहरण, सबका उदाहरण लीजिएगा ना, और यदि नहीं तब तो आप कर रहे हो पूर्वाग्रह। क्या कर रहे हो? ये देख लीजिएगा, ये वाला पूछा गया है ऑनलाइन में, विभिन्न प्रकार के स्त्री वर्ग एवं पुरुष वर्ग दोनों से उदाहरण एक शिक्षक को लेने चाहिए। मैडम सीखे समझे, दोनों से उदाहरण लेने चाहिए। विषय वस्तु की भाषा बच्चे का मातृभाषा होना चाहिए, कैसा, जो भी पढ़ाइए वो भाषा कैसा होना चाहिए, स्थानीय परिवेश से जुड़ा हुआ, कैसा, बच्चे की कैसी भाषा होनी चाहिए, बोलचाल की भाषा, बोलिए मातृभाषा, हर परिवार की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, मदर टंग लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज का प्रयोग होना चाहिए, बोझ नहीं मोटा मोटा बस्ता। बच्चे को नंबर के लिए पढ़ाना, लर्निंग विदाउट बर्डन, बोझ रहित शिक्षा, बोझ के बिना शिक्षा। 1993 में यह आया था, कब आया था, बोझ के बिना शिक्षा। और जब बोझ दीजिएगा तो बच्चे में बोध यानी समझ विकसित होगी क्या? नहीं। बच्चा ओ मतलब नहीं, बोध गम्य है, नॉट अंडरस्टैंडेबल, क्या, नॉट कॉम्प्रिहेंसेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अबोध। सुनिए ऑनलाइन में खूब पूछा है, अबोध गम्य है, बोध मतलब आप समझते हैं समझना, अबोध मतलब नहीं समझना, तो अबोध गम्य बढ़ता चला जाएगा, अबोध गम्य, अबोध गम्य को क्या करना चाहिए, कम, अबोध गम्य को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए कि नहीं, बोलिएगा। और बोझ रहित शिक्षा, बोलिए बोझ के बिना शिक्षा देनी चाहिए, अर्थात जिससे अबोध गम्य नहीं समझने वाला प्रॉब्लम कम हो जाएगा, अबोध गम्य निवेश, अबोध गम्य अवधारणा को कम करना चाहिए, एक शिक्षक को करना चाहिए कम, हसमत जाइएगा अबोध गम्य जहां जहां मिलेगा। सीडीपी उल्टा ये पिछला ऑनलाइन खूब बोला है, अबोध गम्य निवेश, और क्या बोलेगा, नम्यता, नियम पूर्ण, ज्यादा से ज्यादा नियम पूर्ण प्रक्रिया। देखिए क्या लिखे हैं, घर पे भी देख सकते हैं, उर्दू में भी देख सकते हैं, बाकी पीडीएफ तो है नहीं, घर पे खुद के हाथों से लिखिए, याद रहेगा। और बोध गम्य मतलब बोध नहीं होना, उसको दूर करना चाहिए, कम करना चाहिए, ठीक है, समझ पाए इसको आप,
बोझ रहित शिक्षा, रहित का मतलब नहीं होता है, लर्निंग विदाउट बर्डन। तो बस्ते के भार को भी कम करना और साथ ही साथ बच्चे के मानसिक दबाव को दूर करना, अच्छा अर्थात अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, क्या करना, नंबर वगैरह को नहीं, अंडरस्टैंडिंग बोध गम्यता को बढ़ाना, समझ विकसित करना। आइए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बोलिए। सबसे पहला 1975 में, सबसे पहला, दूसरा 88 में, तीसरा 2000 ईस्वी में, बोलिए, चौथा 2005 में, बोलिए, और अभी कुछ अंश 6 वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए FLN फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी 2022 में, क्या 2022 में, बट उन्हीं चीजों का रिपीटेशन है, वो अभी पूर्णतया आया नहीं है। तो आप चार प्रकार के MCM को देख लिया आपने, इसमें याद रहा एवरीबॉडी, बोलिए 2000 ईस्वी में एकीकृत का सिफारिश किया गया, सिफारिश किया गया और 2005 में लागू किया गया। पढ़िएगा एनसीएफ 2005 ने इंटीग्रेटेड पाठ्यचर्या जो भी करिकुलम है, सारा क्षेत्र आपस में, चाहे वैज्ञानिक बातें हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, पर्यावरण दृष्टिकोण, सब आपस में गुथे हुए हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं, अंतर संबंधित हैं, एकीकृत रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, अर्थात अंतर संबंधित करवा के आपने देखा है। तो किसकी सिफारिश करता है, आइए देखिएगा, पढ़िए तो, नहीं करती, और जब नहीं करती तो कैसे पढ़ाते हैं, आइए, मिला संदर्भ गत अधिगम, कॉन्टेक्चुअल, कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड। आज इंग्लिश वालों को भी समझ में आ गया होगा क्यों जरूरी है, संस्कृत वालों को तो समझ में आते रहता है नहीं जी, संदर्भ मिला, उत्तर मिला, मतलब बाह्य परिवेश, बच्चे की मातृभाषिक संसार, कैसा समुदाय, मातृभाषिक समुदाय, कैसा परिवेश, मातृभाषिक, मदर टंग, क्षेत्रीय, तो इनसे जोड़ते हुए, इनके विभिन्न उदाहरण को संदर्भगत करते हुए लर्निंग प्रदान करना चाहिए, और बच्चे इसी प्रकार प्राप्त करते हैं। और तो और बच्चे गणित एवं भाषा के माध्यम से 1 और 2 में EVS को सीखते हैं, किसके माध्यम से, गणित एवं भाषा, जैसे हिंदी वगैरह भाषा हो गई है ना, और ऑप्शन में ना मिले तो एकीकृत मिलेगा, क्या मिलेगा, एकीकृत रूप में बच्चे अपने समुदाय को देखते हैं, कैसे देखते हैं, समग्र रूप में, कैसे, समग्र रूप में, बच्चा विद्यालय जा रहा है पूरा पेड़ देखता है, कोई गाय देखा तो ऐसा नहीं गाय का केवल टंगड़ी देखा, पूंछ देखा, पूरा गाय को देखता है, यानी समग्र हॉल रूप में देखता है, WHOLE हॉल, ऑल पार्ट जी, अनुशंसा करना, देखिएगा क्या होता है, क्या करता है, अनुशंसा करती है, सिफारिश करती है, निर्दिष्ट करती है, बताती है, देखिए पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक की, पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक की अनुशंसा मतलब जो निर्देश नहीं दिए गए, जिसके बारे में तरफदारी नहीं करती है, अनुशंसा, तो नहीं लग गया तो नहीं, अनुशंसा करती है तो मतलब उसकी सिफारिश करती है, उसके बारे में बताती है, परिपुष्ट करती है। पढ़ते हैं तो 1-2 में नहीं है, कहां से है, 3 और 5 तक है, ठीक है, बड़ी खुशी की बात है, 3 और 5 में है,
तो छह थीम है, कितने थीम है? छह थीम है। और चार उप थीम, कितने उप थीम? चार उप थीम। बढ़िया।